नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले में नहीं थम रहा है सड़क हादसों का सिलसिला, एक मासूम की हुई मौत, ग्रामीणों ने एनएच जाम कर जताया आक्रोश। जदयू विधायक के बयान पर गरमाई बिहार की सियासत, कांग्रेस विधायक दल के नेता ने मुख्यमंत्री को महागठबंधन में शामिल होने का दिया ऑफर। बम विस्फोट मामले में फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, बम के अवशेषों को किया जब्त, जांच जारी। प्रेम प्रसंग में मूर्तिकार नाबालिग को लेकर हुआ फरार, इशाकचक में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। और दीक्षांत समारोह की तैयारी में जुटे टीएमबीयू के अधिकारी, फॉर्म लेने के लिए काउंटरों पर उमड़ी छात्रों की भीड़। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं में एक बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई। पहली घटना श्रीरामपुर गांव के समीप की है, जहां शनिवार को ट्रैक्टर ने एक बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की मौत हो गई। जबकि दूसरी घटना अकबरनगर मुख्य मार्ग की है, जहां कार की चपेट में आने से दीप नारायण पासवान के पुत्र सुजीत पासवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि मृतक बच्चे की पहचान श्रीरामपुर गांव निवासी प्रवेश यादव के पुत्र लक्ष्य राज उर्फ गोलू कुमार के रूप में हुई है। वहीं दोनों ही घटना को लेकर घटनास्थल पर मुआवजे की मांग के लिए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। बता दें कि घटना की सूचना पर पहुंची अकबरनगर पुलिस, बीडीओ नवल किशोर ठाकुर और सीओ शंभू शरण राय ने परिजनों एवं ग्रामीणों को काफी समझाया, लेकिन मुआवजे की मांग पर अड़े लोग अपनी बात पर टिके रहे। हालांकि काफी समझाने और आश्वासन के बाद परिजनों ने 5 घंटे तक जाम जारी रखा। वहीं जाम हटाए जाने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बयान से बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। दरअसल पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ने अपने ही सरकार के सीएम नीतीश कुमार के गद्दी छोड़ देने की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि 6 महीने बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार गिर जाएगी और एनडीए सरकार के गिरने के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। यही नहीं, उन्होंने खुद को क्षेत्रीय दबंग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य का दबंग बताया था। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने दावा किया कि नीतीश सरकार 6 महीने भी नहीं चलेगी। इधर जदयू विधायक गोपाल मंडल के बयानों को कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने सही बताया है। भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी दबाव में हैं, इसीलिए उनके ही पार्टी के विधायक सत्ता बदलने का मन बना चुके हैं। वहीं बातों ही बातों में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे दिया। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में युवाओं को रोजगार देने की बात कहकर वोट लेने वाली पार्टी ने अब तक प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की है। अब जदयू के विधायक का बयान मैंने भी सुना है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है 6 महीने के बाद आदरणीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश जी पद छोड़ देंगे। अब वो कैसे बोले हैं वो तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछिए, लेकिन मेरा भी मानना है जो मैं देख रहा हूँ सरकार बनने के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार में जो देरी हो रही है, निश्चित कहीं ना कहीं आदरणीय नीतीश कुमार जी दबाव में हैं। ततारपुर थाना क्षेत्र के काजवली चक लहरी टोला गली में हुए बम ब्लास्ट के बाद शनिवार को एएसपी पूरन कुमार के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जमालपुर से आई टीम ने एएसपी की मौजूदगी में शुक्रवार को सील की गई गोदाम का बारीकी से जांच किया। हालांकि टीम को घटनास्थल से कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। इस दौरान एएसपी पूरन कुमार झा, ततारपुर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार समेत जांच टीम के सदस्य एवं अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र से एक नाबालिग से प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार इशाकचक बिंदटोला निवासी मूर्तिकार ओम प्रकाश तांती का पुत्र मुरलीधर छपरा के रहने वाले शीलानाथ सिंह की 13 वर्षीय पुत्री को लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद लड़का एवं लड़की पक्ष के बीच जमकर विवाद हुआ।
वहीं मामले को लेकर मुरलीधर के पिता ने बताया कि एक वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र के साथ शीलानाथ सिंह के घर मूर्ति बनाने के लिए गया था और काम के सिलसिले में उसने अपना टेलीफोन नंबर लड़की के पिता को दिया था, जिसके बाद अक्सर उसी नंबर से उसकी पुत्री मुरलीधर को फोन किया करती थी। साथ ही आरोप लगाते हुए यह कहा कि लड़की के परिवार वाले जबरदस्ती उसे और उसके पुत्र को फंसाना चाहते हैं, जबकि लड़की पक्ष ने भी लड़के वालों पर कई आरोप लगाते हुए लड़की नाबालिग है और उसे गुमराह किया गया है ऐसी बात कही। वहीं मामले की सूचना मिलते ही शाकचक पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है, जबकि दोनों परिवार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है। लड़की का बाप जो है हमने घट मामला का आप रखे, तो दोस्त के नाते से जो है लड़की को रखे, लड़की को जब यहाँ रखे हैं उनके बाप को फोन किया कि लड़की यहाँ पर आ गई है, आप लड़की ले जाइए। जब आई तो हमने दीवार फोन करके चारों तरफ से जो है हमने घर में घुस गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 46वें दीक्षांत समारोह को लेकर आवेदन करने की तिथि परीक्षा विभाग की ओर से बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि अब 13 जनवरी तक इच्छुक छात्र आवेदन कर सकते हैं। वहीं दीक्षांत समारोह के लिए सर्टिफिकेट लेने वालों की भीड़ लगी हुई है। समारोह में शामिल होने के लिए आज भी विद्यार्थियों ने काफ़ी संख्या में मे आई हेल्प यू सेंटर से फॉर्म खरीदा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि छात्र छात्राओं को फॉर्म लेने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए कॉलेज में 2 काउंटर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजभवन की ओर से दीक्षांत समारोह की तिथि घोषित नहीं किए जाने के कारण विश्वविद्यालय स्तर पर इनविटेशन कार्ड प्रिंटिंग से लेकर कई तरह के काम अधूरे हैं। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि समारोह में डिग्री लेने वालों को निर्धारित पोशाक पहनना अनिवार्य होगा। ऐसे में कार्यक्रम आयोजन की तय तिथि नहीं रहने से समारोह स्थल से लेकर विभिन्न विभागों से होने वाले कार्यों की गति धीमी है। ज्ञात हो कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी दीक्षांत समारोह की तैयारी को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, साथ ही कार्यक्रम के आयोजन को लेकर कई दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य कार्यक्रम TNB कॉलेज परिसर में 15 से 20 जनवरी के बीच होगा, जिसकी मॉनिटरिंग वरीय अधिकारी खुद कर रहे हैं। बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए भागलपुर SSP निताशा गुड़िया ने एक नई पहल की है, जिसमें किसी भी परिचित या अपरिचित व्यक्ति से व्हाट्सएप और मैसेंजर पर पासवर्ड या पिन शेयर नहीं करने की अपील की गई है। SSP ने जिलेवासियों से ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध पर लगाम लगाने को लेकर हर छोटी बड़ी सावधानियों का ध्यान रखने के लिए एक व्हाट्सएप मैसेज भी जारी किया है। SSP ने कहा कि फोन पे और गूगल पे समेत ऐसे सभी माध्यमों से पैसे की लेन देन में सतर्कता और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है और ऐसा करके हम खुद को किसी बड़े धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पैसे की लेन देन से जुड़े किसी भी मैसेज पर विश्वास करने से पहले फोन पर बात कर मैसेज की सच्चाई का पता लगा लेना चाहिए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग,
ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की प्रतियोगी परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। परीक्षाएं 18 जनवरी तक चलेगी। बता दें कि पूर्व में बिहार बोर्ड की ओर से कहा गया था कि केंद्र के अधीक्षक अपनी सुविधा अनुसार 9 से 18 जनवरी के बीच किसी भी तारीख को प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं। वहीं इंटर प्रायोगिक परीक्षा को लेकर भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कर्मी और एसएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा के बीच मामला गर्मा गया है। एसएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा ने डीईओ कार्यालय के कर्मी पर एडमिट कार्ड दिए जाने को लेकर आदेशात्मक स्वर और बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। प्राचार्य ने कहा कि वह अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया है। वहीं शुक्रवार से ही प्राचार्य छुट्टी पर हैं। इधर पूरे मामले पर जब जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार से बात करने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। मैंने पहले दो पत्र दिया, एक तो 18, 19, 20 तीन साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नामांकन लिया तो प्रति छात्र 200 रुपया कॉलेज को लौटाना, कई अब तक नहीं लौटाया, तो मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निवेदन किया कि मेरा इतना पैसा लौटा दीजिए। उसी गुस्से में किसी कर्मचारी ने, जो दिलीप कुमार नाम का है, 7 तारीख को उसने आदेशात्मक स्वर में कहा कि मंगवा लीजिए। इस्तीफा देने की बात इसलिए है कि मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। जब वो मैं पहले से लिख चुका हूं कि केंद्राधीक्षक अपना बना लीजिए तो बना ले, उसको कॉलेज सहयोग करेगा, ये भी मैंने लिख चुका हूं कि कॉलेज उसको सामान सहित भवन देगा। भागलपुर डीआरडीए परिसर से शनिवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के सभी अनुमंडल के चिन्हित क्षेत्रों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत जागरूकता रथ के माध्यम से आम नागरिकों और मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। बता दें कि 16 दिसंबर से 11 जनवरी तक निर्वाचन विभाग की ओर से चलने वाले विशेष अभियान के दौरान नए मतदाताओं का पंजीकरण, मतदाता परिविष्टियों के सुधार और विधानसभा अंतर्गत बूथ स्थानांतरण को लेकर आवेदन पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं। इस मौके पर अपर समाहर्ता राजेश झा राजा, डीआरडीए निदेशक प्रमोद कुमार पांडे, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार समेत कई अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। डाक पब्लिकेशन जो हुआ है 16 दिसंबर को हुआ है और 16 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक, जिसका उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूर्ण हो गया है या जिसका नाम इनरोल नहीं हो पाया है, वो अपना नाम इनरोल 11 जनवरी तक कर सकते हैं। और सभी बूथ पर कल 10 जनवरी को विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें कि सभी बीएलओ अपना फॉर्म के साथ अपने अपने बूथ पे उपस्थित रहेंगे। भागलपुर के सदर एसडीओ आशीष नारायण शनिवार को सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां एसडीओ ने जांच के दौरान वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के लिए बनाए गए आरटीपीएस काउंटर पर दलाली करते दो युवकों को रंगे हाथों पकड़ लिया। एसडीओ ने पकड़े गए युवकों के पास से विधवा और वृद्धा पेंशन का कागजात भी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए एक युवक की पहचान खानपुर पंचायत के वार्ड पार्षद संतोष कुमार के रूप में हुई है, जबकि दूसरे युवक की पहचान धांधी बेलारी पंचायत निवासी दिलीप यादव के रूप में हुई है। वहीं एसडीओ ने प्रखंड और नगर परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जाँच कर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। मौके पर डीसीएलआर ग्रिजेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार के अलावा बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी समेत कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। बिहार राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ गोपगुट जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय और भागलपुर विशेष शाखा की बैठक शनिवार को अध्यक्ष मोहम्मद सदरुद्दीन की अध्यक्षता में हुई।
इस दौरान महासंघ के जिलाध्यक्ष नकुल कुमार सिन्हा, जिला मंत्री श्याम नंदन सिंह, प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट प्रमंडलीय सचिव ब्रजराज चौधरी समेत अन्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। साथ ही कोविड 19 के दौरान सार्वजनिक अवकाश के दिनों में काम करने वाले कर्मियों को रोजाना 350 रुपये अल्पाहार और भोजन मद की राशि देने की मांग की। आक्रोशित कर्मचारी महासंघ गोपगुट के जिला सचिव के नेतृत्व में कर्मियों ने समस्या समाधान नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। 2020 से नवंबर 2020 तक इन लोगों से छुट्टी के दिनों में काम लिया गया, उसके अनुसार प्रत्येक कर्मचारी का लगभग 40,000-50,000 के करीब जो है मानदेय बनता है। इस कार्यालय में कार्यरत बड़ा बाबू को इस तरह की सुविधाएं दे दिया गया जो पदाधिकारी के समक्ष रहते हैं, किंतु लगातार रात दिन काम करने वाले जो हमारे कर्मी हैं, जिनके बिना जो है स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी, उन लोगों के मानदेय भुगतान में विलंब किया जा रहा है। इस विलंब को लेकर कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है। अमरपुर रेफरल अस्पताल में शनिवार को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चपरी, भिकनपुर, पवई, जानकीपुर, महादेवपुर, तारडी समेत कई ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में गर्भवती महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें 565 गर्भवती महिलाओं का कोविड RT-PCR, एंटीजेन, हेमोग्लोबिन, BP, हेपेटाइटिस बी समेत कई प्रकार के जांच कराने की सलाह चिकित्सकों ने दी। शिविर में मुख्य रूप से डॉक्टर दीप्ति सिन्हा, स्वास्थ्य प्रबंधक सुनील कुमार चौधरी के अलावा कई डॉक्टर, ANM और अस्पताल कर्मी उपस्थित थे। अब अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में नहीं थम रहा है सड़क हादसों का सिलसिला, एक मासूम की हुई मौत, ग्रामीणों ने इन्हें जाम कर जताया आक्रोश। जदयू विधायक के बयान पर गरमाई बिहार की सियासत, कांग्रेस विधायक दल के नेता ने मुख्यमंत्री को महागठबंधन में शामिल होने का दिया ऑफर। बम विस्फोट मामले में फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, बम के अवशेषों को किया जब्त, जांच जारी। प्रेम प्रसंग में मूर्तिकार नाबालिग को लेकर हुआ फरार, इशाकचक में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। और दीक्षांत समारोह की तैयारी में जुटे TMBU के अधिकारी, फॉर्म लेने के लिए काउंटरों पर उमड़ी छात्रों की भीड़। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।